सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर स्वागत करती हूँ आप सभी का प्लस टू पॉलिटिकल साइंस की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, हम बुक दो पे चल रहे हैं। इस समय बुक दो का हमने पहला लेसन शीत युद्ध का दौर शुरू किया हुआ है। लेसन को हम पहले भाग में देख चुके हैं। पहले भाग में हमने ये जाना कि इस लेसन को देने का उद्देश्य क्या है हमें। उसके बाद हमने प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के बारे में जाना। तो जो तीसरी चीज हमने इसमें जानी वो थी कि जो शीत युद्ध है वो किसे कहते हैं, शीत युद्ध क्यों हुआ, उस सारे के बारे में हमने जाना। क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में हमने जाना। तो आज जो हम करेंगे वो है कि अपरोध क्या होता है। अपरोध एक ऐसी स्थिति है जिसके बारे में आप वीडियो में जानेंगे। उसके बाद हम द्विध्रुवीय विश्व के बारे में जानेंगे कि पूरा विश्व दो भागों में कैसे बटा और दोनों ने अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ ने कौन कौन से संगठन बनाए, उन संगठनों को बनाने का उनका क्या उद्देश्य था, इस सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हर बच्चे को जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाते हैं या किसी भी इंटरव्यू को फेस करते हैं, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को। तो आज जो हम टॉपिक है वो है शीत युद्ध का दौर। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं हम आज हम इसका पार्ट दो, शीत युद्ध। देखिए, आज जो हम सबसे पहले जानने जा रहे हैं वो है अपरोध। अपरोध क्या है, अपरोध क्या है? देखिए, अगर मान लीजिए परमाणु युद्ध होता है, दोनों ही देश परमाणु संपन्न हैं, अगर एक दूसरे पर हमला करता है तो दूसरा देश भी पहले पर हमला कर सकता है और उसे नष्ट कर सकता है। तो अपरोध क्या है, वो अपरोध ऐसी स्थिति है जिसका अर्थ है रोक और संतुलन। मतलब दोनों देश एक दूसरे से डरते हैं, युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहते, तो ऐसी स्थिति को हम अपरोध कहते हैं। तो बच्चों को ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन दो नंबर में आता है, अपरोध किसे कहा जाता है। उसमें आपको लिखना है कि अगर परमाणु युद्ध होता है तो उसमें विजेता कौन होगा, यह तय करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक देश अगर दूसरे के परमाणु हथियारों को नष्ट करने की कोशिश करता है तो दूसरे देश के पास भी पहले को बर्बाद करने लायक हथियार बच सकते हैं। तो इस डर से दोनों ही पक्ष मुकाबला करने से डरते हैं और युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहते, तो ऐसी स्थिति को अपरोध कहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं द्विध्रुवीय विश्व का आरंभ। मतलब आप सभी जानते हैं कि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया। उस परमाणु बम का सोवियत संघ को कोई अंदाज़ा नहीं था। इसके कारण ही दोनों में शत्रुता पैदा हो गई और दोनों देशों में, अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ में, होड़ लग गई कि अधिक से अधिक देशों को अपने साथ मिलाया जाए। तो ये जो अवस्था थी इसे द्विध्रुवीय विश्व कहा जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं इससे। देखिए, दोनों ने अधिक से अधिक देशों को अपने साथ मिलाने के लिए कुछ योजनाएं शुरू की। तो आइए जानते हैं सबसे पहले हम मार्शल योजना को, कि मार्शल योजना क्या थी। जो मार्शल योजना थी, देखिए, वो अमेरिका के विदेश मंत्री जॉर्ज मार्शल ने शुरू की थी। उन्होंने यूरोपीय देशों का पुनर्निर्माण करने के लिए कार्यक्रम चलाया कि जिन लोगों को पैसों की ज़रूरत है उन्हें पैसों की मदद पेश की। तो पैसों की मदद देके उन्होंने अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ मिलाने की कोशिश की। इसके जवाब में सोवियत संघ ने कॉमनिफॉर्म बनाया,
सोवियत संघ ने मार्शल योजना के संपूर्ण विचार की डॉलर साम्राज्यवाद के रूप में भर्तारसना की कि अमेरिका लोगों को अपने डॉलर का लालच दिखाकर अपने साथ मिला रहा है। तो मार्शल योजना के प्रतिक्रिया रूप में 1947 में सोवियत संघ ने कॉमनी फॉर्म शुरू किया। यह मुख्य रूप से पूर्वी यूरोपीय देशों को अपने साथ सोवियत संघ का अटैच करने का एक प्लेटफॉर्म कह सकते हैं आप था। देखिए, शीत युद्ध कोई वास्तविक युद्ध नहीं था, ये तो एक दूसरे के खिलाफ चालें संगठन बनाने का युद्ध था। देखिए, अमेरिका ने मार्शल योजना शुरू की तो सोवियत संघ ने कॉमनी फॉर्म शुरू कर दिया। दोनों ने अपना अपना पैसा खूब खर्च किया अधिक से अधिक देशों को अपने साथ मिलाने में। तो चलिए इससे आगे हम देखते हैं, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नेटो, NATO जिसे हम नेटो कहते हैं, 1949 में बना एक संगठन था जो कि अमेरिका ने बनाया था। इसका उद्देश्य क्या था कि देशों को अपने साथ मिलाना, और मान लीजिए किसी एक देश पर हमला होता है तो वो सभी पर हमला माना जाएगा। तो इसका उद्देश्य क्या था, मतलब बाकी देशों को डराना। अगर मान लीजिए कोई अमेरिका पर हमला करेगा तो उसके साथ जो सहयोगी देश हैं वो भी उसका जवाब उन्हें देंगे। तो जो ये नेटो संगठन है इसकी स्थापना अप्रैल 1949 में की गई। इसमें अमेरिका, कनाडा, पुर्तगाल, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली, नॉर्वे भी थे। देखिए कितने बड़े बड़े देश अमेरिका के साथ इसमें शामिल हुए नेटो संगठन में। और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या रखा गया कि किसी भी एक देश पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा और सभी संयुक्त बलों का प्रयोग कर उसका जवाब देंगे। अब देखिए सोवियत संघ ने उसके जवाब में क्या बनाया, वारसा संगठन। तो वारसा संधि क्या थी, 1955 में की गई थी नाटो के जवाब में। तो इसका उद्देश्य क्या था कि सोवियत संघ ने भी अधिक से अधिक राष्ट्रों को अपने साथ मिलाने की कोशिश की। चलिए अब आगे देखते हैं, ये मैप देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग मैप है। तो जितने भी आपको येलो वाले दिख रहे हैं इस वर्ल्ड मैप में वो सब अमेरिका और उसके सहयोगी देश हैं, और जितने भी आपको रेड में दिख रहे हैं वो सोवियत संघ और उसके सहयोगी देश हैं। तो देखिए कौन सा देश में आपको ज़्यादा वो दिख रहे हैं, मतलब येलो पार्ट आपको ज़्यादा दिख रहा है या रेड वाला, बताइए। तो दोनों ही देशों ने कोशिश की थी कि अधिक से अधिक देशों को अपने साथ मिलाया जाए। देखिए अमेरिका ने किसे किसे अपने साथ मिलाया, नॉर्वे, ओस्लो, ब्रिटेन, उसके बाद बेल्जियम, लक्समबर्ग, ब्रुसेल्स, पेरिस, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, ग्रीस, तुर्की। और उधर सोवियत संघ ने, सोवियत संघ, पोलैंड, बर्लिन जिसे कि हम पूर्वी जर्मनी भी कहते हैं, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और बुल्गारिया, इन देशों को अपने साथ मिलाया। तो दोनों देशों का उद्देश्य क्या था, द्विध्रुवीय देश, मतलब पूरे विश्व को दो गुटों में बांट दिया इन लोगों ने, एक तरफ अमेरिका दूसरी तरफ सोवियत संघ। चलिए अब हम देखते हैं इनके द्वारा बनाए गए और दो अन्य संगठन, सीटो और सेंटो। तो देखिए इनका भी एक सैनिक संगठन थे ये भी। इस क्षेत्र जो सीटो और सेंटो थे सोवियत संघ की उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए थे। तो ये अमेरिका के गठबंधन थे, एशिया, इन्हें हम दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन कहते हैं और केंद्रीय संधि संगठन कहा जाता है। जो सीटो है वो अमेरिका ने बनाया और जो सेंटो है उसके जवाब में सोवियत संघ ने बनाया। तो सिर्फ संगठन बना के इन लोगों ने अपने देश का धन को बर्बाद किया, पूरे विश्व में
विश्व को दो गुटों में बांटने की कोशिश की। मान लीजिए वो एक संगठन बना रहा था तो दूसरा देश दूसरा संगठन बना रहा था। चलिए अब हम देखते हैं कि इन्हें गुट बनाने की ज़रूरत क्या थी। देखिए बड़े बड़े अमीर देश हैं, इनके पास आर्थिक संपदा खूब है, तो इन्होंने गुट क्यों बनाए? सबसे पहला देखिए, जो छोटे देश हैं उनमें संसाधन अधिक हैं, सबसे पहली जो चीज़ थी ये उनके संसाधनों का प्रयोग कर सकें। दूसरा उनके भू क्षेत्र जहाँ पर कि अपने हथियार और सेना का संचालन कर सकें उसका प्रयोग कर सकें। सबसे पहला था संसाधनों का प्रयोग कर सकें, दूसरा उनके भू क्षेत्रों का प्रयोग कर सके अपनी हथियारों और सेना के संचालन के लिए, तीसरा अपने सैनिक ठिकाने बनाने के लिए ताकि वो दूसरे देशों की जासूसी कर सकें, चौथा आर्थिक मदद देना ताकि वो लोग इनके छोटे मोटे खर्च को वहन कर सकें। तो ये गुट जो बनाए गए, आपने देखा अभी नाटो, सेंटो, सीटो, वारसा पैक्ट जितने भी बनाए वो इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाए कि उन्हें संसाधन मिल सके, भूमि का क्षेत्र मिल सके, सैनिक ठिकाने बनाने की जगह मिल सके और आर्थिक मदद भी मिल सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत